वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मेरे सीटेट या रीट या एसेट के जो मार्क्स है उन मार्क्स के बारे में, और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट के लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो, या कैसे बिना ऑनलाइन कोचिंग लिए भी आप लोग सीटेट क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मैंने सीटेट, एसटेट, रीट, यूपीटेट सब कुछ ये जो क्लियर करे हैं, इसमें किसी भी तरीके की कोई कोचिंग नहीं ली थी। ये सब सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्लियर हुए हैं और ये सारे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सीटेट मैंने उस टाइम पे दिया था जब मैं सेकेंड ईयर में थी, डाइट में, डाइट कर रही थी। तो टीचरों ने बहुत हवा मचा रखा था सीटेट सीटेट सीटेट, तो क्या है सीटेट, मुझे भी देना था सीटेट क्या होता है और इसके बिना आप लोग जॉब नहीं ले सकते। तो ये था, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 110 नंबर थे मेरे उस एग्ज़ाम में। बट मेरे को ये श्योर नहीं था क्योंकि ये मैंने डाइट में रहते हुए दिया था, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये एलिजिबल होगा या नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि डाइट करने के बाद आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, बट फिलहाल अब तो क्लियर है। जो सेकंड ईयर में रह के सीटेट देता है वो भी पहले क्लियर कर रखा था, बट ऐसा होता है ना जब आप नई नई डाइट करते हो या जो भी फ्रेशर होते हो आपको पता नहीं होता, तो मुझे भी नहीं पता था। तो उस अटैम्प में मेरे 110 नंबर आए थे। इसके बाद मैंने सेकेंड पेपर 6 महीने बाद ही दिया था, जुलाई वाला जो होता था, उसमें मेरे आए थे 101 नंबर। और ये जो सीटेट है ना बहुत ज़्यादा टफ भी था कंपैरिजन टू पहले वाले में, क्योंकि पहले वाले में अप्रॉक्स हमारे डाइट में सबका स्कोर 110 105 ऐसे ही रहता। बट ये जो सेकंड वाला पेपर था ना, जो सेकंड पेपर हुआ था 6 महीने बाद, ये बहुत सारे बच्चों का क्वालिफाई भी नहीं हुआ था क्योंकि ये सच में पेपर टफ था। ठीक है, इसके बाद मैंने 2017 में एसटेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 99 मार्क्स आए। और ये एग्ज़ाम जो था मुझे सीटेट के कंपैरिजन में टफ लगा, एसटेट का पैटर्न मुझे टफ लगा। मैं स्पेशली कोई तैयारी करके नहीं गई थी एसटेट के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे सीटेट क्लियर हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एसटेट मुझे थोड़ा सा टफ लगा सीटेट के कंपैरिजन में, बट टचवुड क्लियर हो गया था क्योंकि हम 8-9 लोगों ने भरा था, उनमें से किसी का क्लियर नहीं हुआ था, बट मेरा एसटेट क्लियर हो गया था। इसके बाद 2018 में सीटेट के फॉर्म निकले। मैंने एक बार और सीटेट दिया नंबर इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे था कि पहले मेरे ज़्यादा नंबर आए फिर मेरे कम हो गए, तो मैंने दोबारा सीटेट दिया। उस टाइम पे मैंने मेहनत करी तो मेरे उसमें थे 112 नंबर, बट वो मार्कशीट अभी मेरे पास नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि मैं मार्कशीट कैसे ला सकती हूँ, कैसे निकलवा सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। हुआ क्या था कि 2018 में सीटेट का फॉर्म भरने के बाद मेरा ना फ़ोन टूट गया था, फ़ोन का टूट गया था, तो उसमें ही सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड वगैरह मेरा सब कुछ फ़ोन में था। दिसंबर में मैं पेपर दे के आई तो वो एडमिट कार्ड पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया और मुझे नहीं मिला उसके बाद। क्योंकि जब एडमिट कार्ड, मैं इस वजह से फ्री हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे पहली बार जो सीटेट की मार्कशीट है ना वो डिजिटल लॉकर में आई थी, तो डिजिटल लॉकर में मैंने मार्कशीट डाउनलोड करके रख ली। बट मुझे नहीं पता था कि डिजिटल लॉकर से मार्कशीट जो है थोड़े टाइम बाद चली जाती है, हमें निकलवा के वो रखनी होती है, वो वहाँ से चली जाती है। मुझे लगा मैंने डिजिटल लॉकर में रख लिया वो सेफ है, बट ऐसा नहीं हुआ। थोड़े टाइम बाद वो वहाँ से चली गई और मुझे लगा डिजिटल लॉकर में है मेरे मार्कशीट वगैरह सब कुछ, मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा था, बट वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो सब कुछ उसमें चला गया, फ़ोन में ही वो चला गया। तो मेरे पास अभी कोई उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पता है मैं कैसे निकलवा सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दें। मैं CBSE वगैरह भी गई थी बट उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो ये 2018 की बात है। इसके बाद शायद 1-1.5 साल कोरोना काल की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ, इसके बाद जो था ऑनलाइन हुआ एग्ज़ाम। स्पेशली मुझे ये एग्ज़ाम जो था पार्ट टू की वजह से देना था, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी तो मुझे लेवल टू का सीटेट देना था, ना कि लेवल वन का। बट जब मैं फीस देखी मैंने तो 1000 रुपये में आप एक फॉर्म भर सकते हो और 1200 रुपये में दोनों, तो मैंने सोचा कि 200 रुपये के फ़र्क की वजह से दोनों ही दे देते हैं, तो मैंने दोबारा से सीटेट दिया। तो यहाँ पे हम लेवल टू की बात नहीं करेंगे, सीटेट वन का मैंने एग्ज़ाम दिया। ये एग्ज़ाम जो था मुझे और वो एग्ज़ाम से और जो एग्ज़ाम मैंने दिए हैं उनसे टफ लगा, पैटर्न मुझे इसका टफ लगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो था पहली बात ऑनलाइन था, सेकेंड चीज़ इसमें ना मल्टी ऑप्शन आ रहे थे। जैसे हमारा पहले क्या होता था, एक स्टेटमेंट दी होती थी और फिर उस चार में हमें ऑप्शन देना होता था, बट इसमें क्या था, चार ऑप्शन दिए थे तो भी हमें चूज करना था, मतलब मल्टी ऑप्शन था, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, सो इस तरीके से। बट मैं अपना 100% देकर के आई थी, मैंने ट्राई करा कि मैं सही से पेपर दूँ, अच्छे से करूँ, सो वो मैंने ट्राई करा। बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने नंबर आएंगे, बट इस एग्ज़ाम में मेरे 115 नंबर आए, जो कि अब तक के सीटेट में मेरे हाईएस्ट हैं, क्योंकि मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, कोई मेहनत नहीं करी थी, मेरा पहले का ही बेस बना हुआ था, तो मुझे लगा सीटेट आसान आएगा, मैं कर लूँगी। बट इस बार जो मैंने सीटेट का पेपर देखा तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये तो था मेरे को क्लियर हो जाएगा, बट मैं अपने मार्क्स जो है ना एक्सपेक्ट कर रही थी 92, 93, 95 हाईएस्ट बस, बट 115 आए, 20 नंबर ज़्यादा, तो मैं, मेरे को बहुत खुशी हुई।
क्योंकि पेपर तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट करके आई थी बट ऑप्शंस के बेस पे मैं नहीं कर पा रही थी डिसाइड, ठीक है। फिर इसी के साथ एस्टेट हुआ था, 2021 में देने गए थे, 2020 में फॉर्म भरे थे एंड में, और 2021 में दिया था मैंने दोबारा एस्टेट दिया क्योंकि 7 साल तक ही वैलिड रहता है, तो मुझे लगा कि वो पुराने वाले का तो टाइम होने ही वाला है खत्म, दोबारा से एस्टेट दिया। दोबारा से एस्टेट दिया तो इसमें मेरे 103 नंबर आए एस्टेट में। और फिर जो अभी रीट हुआ था पिछले साल, जो रीट हुआ था जिसमें सेकंड उन्होंने कैंसिल कर दिया था, फर्स्ट रीट में एग्जाम में मेरे 118 नंबर थे, ठीक है। तो अभी जो सारे मेरे पास स्टेट थे मैंने उसके आपको मार्क्स दिखा दिए हैं, और ये सारे मैंने एक फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करे हैं बिना किसी से कोचिंग लेके। और सेकंड चीज की मैंने इतनी ज्यादा एक बार पढ़ाई करी थी, वही बेस बनाया और बार 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 उसी के बेस पर मैंने ये क्लियर करी। मैंने किसी के लिए भी स्पेसिफाई कोई कोचिंग या कोई अच्छे से तैयारी नहीं करी, क्योंकि ज्यादा मैंने तैयारी नहीं करी क्योंकि मेरा मानना है, ये मेरी खुद की अपनी थिंकिंग है कि एक तो देखो जो सीटेट या एस्टेट में 90 वाला भी एलिजिबल है, 135 वाला भी एलिजिबल है ना, पेपर में 90 वाला भी बैठेगा और 135 वाला भी बैठेगा, तो हम सीटेट टेट जैसे एग्जाम में 135 के पीछे क्यों भागें, क्वालिफाई के पीछे क्यों नहीं भागते, क्योंकि 90 वाला भी बराबर है और 135 150 वाला भी बराबर है, क्योंकि क्वालिफाई तो करना है हमें। तो वहां से जब मुझे ये चीज समझ में आई ना, तो मैं इन एग्जामों के क्वालिफाई करने पे जोर देने लगी, ना कि इनको ज्यादा नंबर लाने के, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इन 135 वाले बच्चों को कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ कॉम्पिटिशन में, अच्छा करके कॉम्पिटिशन में अगर मैं अच्छा करूंगी वहां पे इनको पीछे कर दूंगी तो मैं ज्यादा, मतलब मेरा ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे करियर के लिए, ना कि सीटेट टेट की मैं भागने के पीछे कि 110 नंबर लाई हूँ अगली बार मैं 120 लाऊं, 125 नंबर लाऊं, 135 नंबर लाऊं। सीटेट में रेस लगाने से क्या फायदा, क्योंकि 90 और 135 वाला तो बराबर ही है ना। अगर रेस लगानी है तो ये जो BTPL SBPRT के एग्जाम है उसमें लगाऊं, KVS में लगाऊं, तो ये चीज मुझे 2021 से समझ में आ गई, 2020 से 21 से। अब मैं कोई टेट एग्जाम वगैरह नहीं दूंगी क्योंकि बहुत है, बहुत क्लियर हो गए, क्वालिफाई है, सब ठीक है, मुझे कोई इनमें मार्क्स नहीं बढ़ाने, ठीक है, अपने कंपटीशन पे जोर देना है उसमें करूंगी। तो 2021-20 से मैंने काम करना शुरू करा इन चीजों पे, तभी जो है मेरा UPSI कॉन्स्टेबल वगैरह ये सारे एग्जाम क्लियर हुए, क्योंकि टैटो के पीछे भागना अब मैंने छोड़ दिया, जब तक बुद्धि नहीं थी मैंने अपनी बहुत एनर्जी इनके पीछे वेस्ट करी, बट अब मैं कॉम्पिटिशन पे, कॉम्पिटिशन की चीजें पढ़ने पर ज्यादा जोर देती हूँ, ज्यादा पढ़ती हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि आप लोग सीटेट जो 2022 में होने वाला है इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। देखो अभी ना आप लोगों के पास टाइम तो बहुत कम है क्योंकि फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, नवंबर दिसंबर 2 महीने हैं आपके पास, दिसंबर के एंड से आपके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो 2 मंथ में पहली बात आप जो भी चीजें पढ़ चुके हो ना उसका रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा बार 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 रिवीजन करो, क्योंकि जो चीज नहीं करी उसे छोड़ दो, बट आपने जो चीज कर रखी है उसको अच्छे से कर लेना, बार बार कर लेना, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। पहली बात तो है आपको कि आपको करनी है रिवीजन, ठीक है, अच्छे से रिवीजन करो। सेकंड चीज ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ना एनालाइज करो, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं पहले इस चीज को वर्थ नहीं मानती थी बट ये सीरियसली बहुत वर्थ इट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, आपको ऑनलाइन हर जगह मिल जाएंगे सारी चीजें, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ो बहुत अच्छे से, वहां से ना आपको आइडिया मिलेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। मीन्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हो तो आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 80 नंबर बन रहे हैं, तो मुझे अपने आप को 90 तक पुश करना है, 90 बन रहे हैं तो 110 तक लेके जाना है या 100 तक लेके जाना है। मीन्स अपने आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि आपको ये करना है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। और अभी से मैं कहूंगी कि आपके पास जितना भी टाइम है ना रोज एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि पैटर्न तो यही रहने वाला है और आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा। और इस बार भी ऑनलाइन एग्जाम शायद ऑनलाइन ही होगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। सेकंड चीज सिलेबस के साथ जाओ, ठीक है, सिलेबस के साथ आपको जाना है, सिलेबस के साथ आपको जाना है, जो जो भी आपको सिलेबस दिया हुआ है सिलेबस में जो टॉपिक है जो पॉइंट्स हैं वही आपको करने हैं, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, सिलेबस से गो थ्रू करो, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी अब आप पढ़ाई स्टार्ट करो तो सिलेबस में ना उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो जो आप अभी कर सकते हो, जो आपके लिए टॉपिक आसान है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है, अलग से टॉपिक दिया हुआ है, थिंकिंग एंड क्रिएटिव है, ये सारी चीजें आप साइकोलॉजी में करते हुए ही आ रहे हो, पहले आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी अगर आपका टीचिंग बैकग्राउंड है, तो आप इन चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हो। तो थिंकिंग एंड क्रिएटिव है, मल्टी इंटेलिजेंस है, और चाइल्ड डेवलपमेंट है, कितनी सारी चीजें हैं, तो आप उनको अच्छे से रिवीजन करो और फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रोज लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। थर्ड चीज आप क्या कर सकते हो, देखो अब आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ईवीएस का सिलेबस ना सबसे छोटा है,
बट पता नहीं क्यों मेरा ना ईवीएस अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ना इसकी कभी तैयारी अच्छे से नहीं करी। अगर आप लोग एक बार ईवीएस की तैयारी अच्छे से कर लोगे ना, वो हर एक पेपर में आपको काम आएगा, हर एक सिंगल पेपर में, टेट एस्टेट वालों में। तो इसमें क्या है, इसका 5 थीम दी हुई है और थीम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो ईवीएस की जो बुक है हमारी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक है एनसीईआरटी की, इसको कर लो। और इसके बीच में से ही क्वेश्चन आते हैं आपके ना, ये 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर की ये, तो ये 15 नंबर ना आपके फिक्स हो जाएंगे। पेडागोजी तो आप कर ही लोगे और ये 15 नंबर ना आपके लिए फिक्स हो जाएंगे। आपको सिर्फ 3 किताबें पढ़नी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एनसीईआरटी की, और आपके लिए हमेशा के लिए ईवीएस की जो बुक है आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। या फर्स्ट सेकेंड थर्ड या थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिसमें भी ईवीएस होती है, जो भी है, मैंने कभी प्रिपेयर नहीं करी, इस वजह से मेरे हमेशा मार्क्स जो है ईवीएस में कम रहे हैं। बट ये सब केवीएस के लिए मुझे करना है, तो मैं अब पढ़ूंगी या प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, बट सीटेट वगैरह के लिए मैं आपको दे रही हूँ, जो केवीएस ईवीएस की बुक है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या करना है कि और एक जो हमारा होता है ना पेडागोजी, देखो पेडागोजी ना बहुत ईजी आती है। पेडागोजी में क्या होता है कि आप लोग ना मार्क्स ले सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। जो हमारी पेडागोजी होती है उसमें ना आपको क्या किस तरीके से सोचना है, आपको उसमें एक टीचर की तरह से सोचना है कि अगर मतलब आपके पास एक बच्चा है तो आप उसको कैसे डील कर सकते हो, किस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हो, या आपके पास ये सिचुएशन आएगी तो आप इसको किस तरीके से डील करोगे। तो जो पेडागोजी है ना इसमें ना आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करोगे, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि मीन्स तब आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से उन क्वेश्चनों को के साथ डील करो। देखो अभी आपके पास जितना सिलेबस आपने कर लिया आप उसको कर लो। पेडागोजी तो आप हर एक सब्जेक्ट की ही अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ऑब्वियसली आप सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आओगे। बट पेडागोजी को 100% सारे क्वेश्चन ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है कि आप उन क्वेश्चन को अपने ऊपर एनालाइज करो, मीन्स इस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखो कि हाँ ये चीज कैसे हो सकती है। अब जैसे 30 नंबर की मैथ्स है तो 15 नंबर की मैथ्स जो है आसान आती है, 5th तक के लेवल की आती है, तो बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, बट बहुत बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होगी। तो जिन बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होगी ना, वो मेक श्योर करें कि वो जो 15 नंबर पेडागोजी के ना उसमें वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। तो वो आप लोग कैसे कर सकते हो, अपनी थिंकिंग को क्रिटिकल बना करके, क्रिटिकल अपने ऊपर सोचो, बच्चे के ऊपर सोचो कि अच्छा आप इस सिचुएशन में होते तो आप कैसे क्या करते, क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या क्या बेस्ट तरीका निकाल सकते हो। क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको पता है 15 नंबर की पेडागोजी आती है, जिसमें आपको कुछ रटा रटाया करने की जरूरत नहीं होती, जो भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी थिंकिंग पर बेस होता है कि आप क्या सोचते हो। तो क्यों ना आप अपनी थिंकिंग ही ऐसी बना लो कि आपको उसमें ज्यादा सीधे मतलब आप क्या करोगे वो आपका मतलब आप अपनी थिंकिंग को इस तरीके की बना के रख लो कि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मोल्ड हो जाए। क्योंकि मैथ्स वाले क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी से आएंगे, उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये थ्योरी किसने दी है, ये सिद्धांत किसने दिया हुआ है, ये थ्योरी के में इसमें क्या बोला गया है। बट जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है वो सिर्फ आपकी थिंकिंग पर बेस्ड है, ठीक है। तो जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा स्कोर करता है क्यों, क्योंकि वो अपनी थिंकिंग को इस तरीके से करता है। तो मैं अभी आपको यही सजेशन करूंगी कि आपके पास जितना भी टाइम है आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ ना, तो आप पेडागोजी के क्वेश्चन को उस तरीके से सोचने की कोशिश करो कि दूसरा बच्चा शायद उस तरीके से सोचने के लिए उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, बट आप उस तरीके को ज्यादा से ज्यादा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर आप अपने दिमाग को इसी तरीके से चलाना स्टार्ट करोगे, उस तरीके से सोचने पे मजबूर करोगे, तो पेपर में वो अपने आप ही दिमाग चलेगा। बट अभी आप क्या कर रहे हो, जस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे करोगे और सोचोगे कि पेपर में जाके फिर आप सोचने लगोगे, क्योंकि पेपर में टाइम बतेरा होता है, तो आप वहां पे सोचोगे कि इसका आंसर ये भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो एक दिन में आपका जो ब्रेन है ना उस तरीके से काम नहीं हो करेगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन ही नहीं किया। तो अभी आप क्या करो, जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहे हो, तो जो स्पेशली आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चन है उसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में सोचने की कोशिश करो। कुछ तो बहुत आसान होंगे, आपको आंसर पता होंगे, बट कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, तो आप उनको अलग अलग तरीके में सोचने की कोशिश करो, उनका एनालाइज करो, एनालाइज विश्लेषण करो कि ये ज्यादा से ज्यादा सोचो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, प्रीवियस ईयर पे टाइम दे सकते हो। तो आप यही बोलूंगी मैं, जो भी आपके पास टाइम है, सिलेबस से गो थ्रू हो, जो कर लिया है अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो उसकी, जो जो आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा सिलेबस से गो थ्रू हो, जो चीज आप कर सकते हो आपके पास जितना टाइम है उसे सर्कल करो और उसकी अच्छे से तैयारी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, और जहां से जो आपको कंटेंट मिल रहा है, जहां से भी आपने तैयारी करी है, उसकी ऑथेंटिक सोर्स से जाओ, ठीक है।
मान लो एक टॉपिक है आपने डाला, आपके पास यूट्यूब जैसा इतना अच्छा रिसोर्सेज है, आपको जो टॉपिक करना है आप यूट्यूब पे डालो, आपने यूट्यूब पर एक टॉपिक डाला ठीक है, उसकी इतनी सारी वीडियोस आ जाएंगी, तो आप 3 से 4 वीडियोस देखो और उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी सब आप लोग वहाँ पे देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, मतलब बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी, तो आप उसमें से किसी भी वीडियो को चूज करो, मतलब 2 से 3 से 4 वीडियो आप देखो, उनको अच्छे से एनालाइज करो और आपको जहाँ से जैसा जो कंटेंट समझ में आ रहा है ना, फिर आप उसी को पकड़ लो, मीन्स उसी चैनल को पकड़ लो और सारा सारा कंटेंट करो। मेन आप ही पहले डिसाइड करो कि आपको किस टीचर का किस चीज़ का सारा समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें आप करो। और YouTube का एक फ़ायदा क्या है कि आप एक कंटेंट को काफ़ी अलग अलग एस्पेक्ट से समझ सकते हो, मान लो कोई भी एक टॉपिक है आप उसको अलग अलग चैनल से कर लो, तो आपका क्या पता काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चले जो एक चैनल पर है दूसरी चैनल पर नहीं है, तो YouTube का तो एक यही फ़ायदा है। सेकंड चीज़, आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाते हैं, मीन्स मान लो जो टीचर से आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा आप समझ लोगे, कहीं पे किसी से समझ में आ रहा है किसी पे नहीं आ रहा, आप अच्छे से वीडियोस को एनालाइज करो फिर डिसाइड करो और फिर आप उसको चूज़ कर लो ठीक है। और सीटेट वैसे देखो कोई हवा नहीं है, जो पहली बार भी पेपर देने वाले हैं ऐसा कोई हवा नहीं है, आपने डाइट कर रखी है डीएलएड करा हुआ है तो सारा बेस उसी के ऊपर होता है, बस आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आप सारा आराम से कर लोगे ठीक है। मैथ्स भी कोई इतनी बड़ी हाई लेवल की नहीं आती, इंग्लिश भी एक जर्नल सी इंग्लिश होती है, 10th तक की हम कह सकते हैं जो सिलेबस में हमने सारी पढ़ी होती है वो, 15 नंबर की पैडागोजी है। देखो 15 नंबर की पैडागोजी हर एक सब्जेक्ट में है, 15 15 15 15 है ना, तो ये जो 75 मार्क्स है ना, आप हर बच्चे का सेम इसी के साथ कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि देखो जो रटने वाली चीज़ें हैं जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो हमें नहीं पता किस बच्चे ने किस तरीके से तैयार करी है कैसे करी है, पर देखो जो पेडागोजी का पार्ट होगा 75 मार्क्स का वो सबका लिए इक्वल होगा, मींस उसमें आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो कितनी भी चीज़ें करो वहाँ पे आपको अपने माइंड के साथ खेलना पड़ेगा, तो ये सारे माइंड के ऊपर है, तो अपने माइंड को तैयार करके रखो किसी भी सिचुएशन के लिए किसी भी क्वेश्चन के लिए कि हाँ जैसा भी क्वेश्चन आए आप अटैम्प्ट कर पाओ। इंग्लिश हिंदी मैथ्स EVS इंग्लिश और चाइल्ड डेवलपमेंट 5 सब्जेक्ट हैं, 15 15 15 नंबर अपने पेडागोजी के तैयार करो, बाकी जिस भी सब्जेक्ट के आप टॉपिक जो है सब कुछ कवर कर चुके हो उनकी अच्छे से रिवीजन करो, बार 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 रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, दैट्स इट, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे सीटेट में और क्वालिफाई तो डेफिनेटली हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड लक, अच्छे से पेपर करो और अच्छे से तैयारी करो, जितना भी टाइम है यूटिलाइज करो, टाइम वेस्ट मत करो, अभी से पढ़ाई में लग जाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की ट्राई करो क्योंकि आपका जो पेपर है वो अब ऑनलाइन हो गया है ठीक है, इसलिए।